वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं। मनोज जी, इस विलय को लेकर क्या कुछ सियासी मायने निकाले जा सकते हैं? सुपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है अभी मौजूदा हालात में, जो पार्टी थी आरएलएस की, इसका विलय होना जेडीयू के साथ में, ये कोई पहली बात है, ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी जब 2009 में राष्ट्रीय समता पार्टी का गठन किए थे उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू से जब उनको बर्खास्त किया गया था उसके बाद में, उस समय भी फरवरी 2009 में राष्ट्रीय समता पार्टी का गठन किया उन्होंने, और नवंबर 2009 में फिर जो है जेडीयू में उनका विलय हो गया। अगर थोड़ा इतिहास अगर देखते हैं, थोड़ा अगर जो बैक सिनेरियो है उसमें अगर हम लोग जाते हैं, तो ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि चूंकि 90 जी, लगता है हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से टूट चुका है, तो आपको फिर एक बार बता दें कि रितीश कुमार के साथ राजनीतिक पारी खेल चुके केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से जेडीयू में आ गए। आरएलएसपी ने जेडीयू के साथ विलय कर लिया है। आज ही 2 बजे के करीब कुशवाहा गए जेडीयू ऑफिस, और वहां पर नीतीश कुमार भी मौजूद थे और कई मंत्री जेडीयू के मौजूद थे, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू में आरएलएसपी के साथ विलय कर लिया है। आपको बता दें कि जेडीयू दफ्तर के कर्पूरी सभागार में पार्टी के विलय का ऐलान किया गया, और वहीं एक बार फिर पुराने मित्र नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। तो हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, इस विलय को लेकर भविष्य में किस रूप से इसे देखा जा रहा है? देखिए रिसम्भरा, जिस तरह से बिहार की राजनीति में 90 के दशक के बाद में जातीय समीकरण का बोलबाला हो गया था, और नीतीश कुमार की आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी और जो जेडीयू है, लगभग 2003 में जेडीयू का गठन हुआ था, तो ये बिहार की सत्ता पर कब्जा करने की ये कोशिश चल रही थी। और उस समय नीतीश कुमार के लिए, हालांकि बीजेपी भी सहयोगी पार्टी थी, लेकिन नीतीश कुमार यहाँ पर लीड कर रहे थे बिहार में, और नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी बिहार की सियासत पर कब्जा करने के लिए, कि जातीय समीकरण के ढांचा को तोड़ करके और विकास मॉडल यहाँ पर डेवलप किया जाए, क्योंकि लालू राबड़ी राज में बिहार का सारा तंत्र लगभग डिमोलिश हो चुका था। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार और खासकर अटल बिहारी वाजपेयी ये चाहते थे कि बिहार का विकास हो, इसलिए नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे थे, और जातीय संकरण को तोड़ना बहुत बड़ी चुनौती थी। उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू में, जब नीतीश कुमार के साथ में थे, और जिस तरह से यहाँ पर अगर जातीय संकरण की बात करें, तो कुशवाहा कुर्मी का वोट बैंक यहाँ पर लगभग 11% होता है, 6.5% कुशवाहा का वोट बैंक यहाँ पर है और 4% कुर्मी का वोट है। तो वैसी स्थिति में 11% अपना माकूल रहे, इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश की जोड़ी को लौकुश की जोड़ी के नाम से भी बिहार में जाना जाता रहा है। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि अंदर कलह के कारण ये कहा जा सकता है कि 2007 में जब उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू से बर्खास्त किया गया, उसके बाद में उपेंद्र कुशवाहा 2009 के फरवरी में राष्ट्रीय समता पार्टी का उन्होंने गठन किया, लेकिन फिर नवंबर 2009 में जेडीयू में फिर उनकी पार्टी का विलय हो गया। 2010 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और नीतीश जो मॉडल यहाँ पर था बिहार में, कहीं ना कहीं ये डेवलप्ड मॉडल के नाम से यहाँ पर इनकी प्रसिद्धि हो गई थी, तो 2010 का चुनाव बिहार के लिए बहुत यादगार रहेगा। 243 विधानसभा सीट में 206 सीट पर एनडीए का कब्जा हुआ था, जिसमें जेडीयू को 115 सीट, सबसे अधिक 115 सीट मिला था, और बीजेपी को 91 सीट मिला था। तो ये कहा जा सकता है कि 2009 के नवंबर में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में उनका विलय होता है, मिलते हैं, और ये 11% का वोट बैंक ये माकूल हो गया, ये माना जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट के रूप में नीतीश के साथ में रहे, हालांकि लौकुश की जोड़ी के नाम से इनकी प्रसिद्धि है। और वही जब ये लेकिन 4 जनवरी 2013 को जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने आरोप लगा दिया नीतीश कुमार पर कि खराब कानून व्यवस्था यहाँ पर है, नीतीश मॉडल यहाँ पर विफल है, नीतीश कुमार निरंकुश शासक हैं, और जेडीयू को पॉकेट का अपना संगठन बना लिया है उन्होंने। तो 3 मार्च 2013 को गांधी मैदान में उपेंद्र कुशवाहा ने एक रैली बुलाया था,
और उस रैली में उन्होंने घोषणा कर दिया आरएलएस की पार्टी का। तो जैसे तो कहा जा सकता है कि 2013 से मार्च 2013 से आरएलएस की अपना प्रभाव बढ़ाने में उपेंद्र कुशवाहा लग गए थे। इसका जो स्वर्णिम काल रहा आरएलएस का उपेंद्र कुशवाहा का, एक तरह से कहा जा सकता है कि जब फरवरी 14 में वो एनडीए में शामिल हुए और उस समय 2015 का जो चुनाव था, 14-15 का चुनाव था, उस समय नीतीश कुमार यहाँ पर बीजेपी एनडीए से अलग हो गए थे, लेकिन 2014 में वो उनको तीन पार्लियामेंट्री सीट मिला था, सीतामढ़ी, काराकट, जहानाबाद, तीनों सीट पर आरएलएसपी के एमपी चुनाव जीते थे। उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में स्टेट के एजार्डिंग मिनिस्टर बनाया गया था और 2015 के चुनाव में कई सीटों में 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए थे, आम आदमी के साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे। ऐसी स्थिति में एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा हुआ करते थे और बिहार विधानसभा 15 में चुनाव 15 में 23 सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन मात्र 2 ही सीट पर कब्जा कर पाए थे, क्योंकि नीतीश और जो आरजेडी है, जेडीयू और आरजेडी की टूटी 2015 में 23 सीट। तो ऐसी स्थिति में मात्र 2 सीट ही जीत पाई थी आरएलएस की, लेकिन 2019 के जब पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ तो एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए। मामला चाहे जो भी रहा हो, हालांकि चर्चा का विषय था कि वो ज्यादा सीट मांग रहे थे और बीजेपी ज्यादा सीट देना नहीं चाह रही थी, इसलिए वो अलग हो गए और यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। लेकिन जिस तरह से 2020 में जब चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, तो ऐसी स्थिति में नीतीश तीसरे पायदान पर यहाँ पर आ गए बिहार की राजनीति में। बिहार में जो सीट में मात्र 47 सीट पर आ गए और बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी यहाँ पर हो गई है। पहले शुरू से जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहा करती थी, लेकिन 2020 के चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गए और नीतीश कुमार बैठू पे आ गए। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार चाह रहे थे, अंदर से अंदर चाह रहे थे कि उनके जो सीट है उनके सीट में इजाफा हो, और शायद इसीलिए वो जिस तरह से जमा खान को, जो बीएसपी के विधायक है थे, वो तो उनको जेडीयू में शामिल कराया गया। और चर्चा इस तरह से बीच में रही कि ओवैसी जो पांच जो ओवैसी की पार्टी के जो पांच विधायक है वो एक बार नीतीश कुमार से मिलने गया और ये कवायद शुरू हो गई कि ओवैसी की पार्टी के जो भी विधायक हैं वो जेडीयू के साथ में मिल जाएंगे। लेकिन ओवैसी ने साफ तौर पर कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा हम लोग के बिहार में, उपेंद्र कुशवाहा हम लोग के का जो संगठन है, हम लोग का जो भी पार्टियां मिली हुई हैं, इसमें उपेंद्र कुशवाहा लीड कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जो करेंगे वही होगा। तो ऐसी स्थिति में ये कयास लगाया जाने लगा था कि हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा कहीं नीतीश कुमार के साथ मिल जाए, तो ये कयास लगाए जा रहे थे, चर्चाएं हो रही थी। लेकिन बीच में ही आरजेडी ने सुनवाई कर ली, सुनवाई करके कुछ दिन पहले ही आरजेडी ने आरएलएसपी के बहुत सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, लेकिन इसका कुछ ये असर नहीं कहा जा सकता है, इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सियासत में एमएलए की जो है अहम भूमिका होती है। और यहाँ अगर उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, और इसी तरह की चर्चा भी हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा उनको पद दिया जाएगा, बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, और अगर उपेंद्र कुशवाहा मिल गए हैं, आज उनका विलय हो गया, उनकी पार्टी का विलय हो गया, ये दोबारा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का इसमें जेडीयू में विलय हुआ है, तो विलय होने के बाद में अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ओवैसी के जो पांच जो विधायक हैं वो भी कहीं शामिल हो जाए, जेडीयू के साथ में आ जाए। तो ये हालांकि भविष्य की बात है कि हालांकि ओवैसी तो अपना विलय करेंगे नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो पार्टी में शामिल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू की जो भूमिका होगी थोड़ा सशक्त जरूर होगी, क्योंकि विधायकों की संख्या में इजाफा होगा। तो ये एक जो सियासत की जो चाल चली जा रही है, जाहिर सी बात है कि इसमें जेडीयू को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि लॉकुस की जो जोड़ी है ये फिर से बिहार में कायम होने वाली है और 11% वोट बैंक की राजनीति फिर जेडीयू के खाते में आएगी। और दूसरी बात यह कि पांच विधानसभा सदस्य जो है ओवैसी के पार्टी के जो विधायक है उस पर भी लगता है कि जेडीयू की निगाह है और वो हो सकता है कि भविष्य में जेडीयू के साथ शामिल हो जाए। रितंबरा जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया मनोज जी। तो आपको बता दें कि 8 साल के बाद नीतीश और कुशवाहा एक बार फिर से साथ आ गए, आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हो चुका है।